ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मई 2019 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार आपको हमेशा की तरह कई बड़े बेहतरीन स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐसे फोन्स भी आप देखेंगे जिनका नाम आप इंडिया में पहली बार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ मई 2019। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि OnePlus 7 14 मई को लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी खबर आ गई है कि OnePlus 7 के साथ OnePlus 7 Pro भी लॉन्च होगा, जो कि OnePlus 7 का थोड़ा सा बेटर वर्जन होगा और उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि पॉपअप सेल्फी कैमरा और बैक साइड पर 3 रियर कैमरा दिए जाएंगे। साथ साथ इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा जो कि क्वाड एचडी प्लस होगा और इसमें आपको बड़ी बैटरी भी देखने को मिल सकती है। अब बस इंतजार इस बात का है कि कंपनी जल्द से जल्द फोन को लॉन्च कर दे और प्राइसिंग रिवील कर दे। मई 2019 में आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीवो iQOO की, जो कि कंपनी OnePlus 7 को टक्कर देने के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि इस फोन में Qualcomm Snapdragon 850 का चिपसेट, 12+13+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेड कैमरा और 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट खबर ये भी है कि ये फोन 30,000 से 35,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। पर anyway, देखते हैं कि कब ये फोन इंडिया में आता है और प्राइसिंग क्या रहती है। गूगल भी इस महीने अपने कम रेंज के नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 7 मई को गूगल पिक्सल 3A और 3A XL ग्लोबली पेश कर दिए जाएंगे और उसे कुछ दिनों बाद ये इंडिया में भी सेल के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि गूगल पिक्सल 3A XL में Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट और गूगल पिक्सल 3A में Qualcomm Snapdragon 670 चिपसेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर मीडियोकर है, पर कैमरा कैसे होंगे उसके लिए हमें इन फोन्स के लॉन्च का ही वेट करना पड़ेगा। सैमसंग ने पिछले महीने थाईलैंड में एसीज के कुछ नए स्मार्टफोन शोकेस किए थे, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था गैलेक्सी A80, क्योंकि इसमें आपको पॉपअप रोटेटिंग कैमरा मिलता था और वही इसका सबसे बड़ा हाईलाइट था। जी हाँ, यहाँ पर अब ये भी कंफर्म हो गया है कि कंपनी इस फोन को मई के महीने इंडिया में लेकर आने वाली है। इस फोन में दिया है Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट और इसमें आपको 48+8 मेगापिक्सल के डुअल रियर या फिर उसे फ्रंट कैमरा कहें वो भी मिल जाते हैं। मई 2019 में नूबिया भी अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि मिड मई तक आपको नूबिया रेड मैजिक 3, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है, वो इंडिया में देखने को मिल जाएगा। माना जा रहा है कि इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। साथ साथ खबर ये भी है कि इस फोन की कीमत लगभग 30,000 रुपये हो सकती है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि मई 2019 में आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में पेश किए जाएंगे, पर उनके बारे में अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। पर जैसे वो फोन लॉन्च होंगे और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपके लिए डेफिनेटली कई प्रकार के वीडियोस लेके आएंगे, जैसे कि अनबॉक्सिंग, रिव्यू ऑफ स्पेसिफिकेशन और चाहे फर्स्ट इंप्रेशन ही क्यों ना हो। तो आप मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और हमेशा की तरह पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल, हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।